रहमतें और बरकतें समेटने वाले माह मुकद्दस का आगाज़ लाहौर समेत मुल्क भर में शहरों ने माह रमज़ान का पहला रोज़ा रख लिया। पहले सहरी के लिए काबों की दुकानों पर रश लग रहा। शहरी नाचने सिरपाई और लस्सी से लुत्फानंदोज़ हुए। रोज़ा रखने के बाद शहरियों ने मसाजिद का रुख किया। रूह परवर इज्तमात मुनक्किद। माह रमज़ान का आगाज़ स्कूलों के औकातकार तब्दील। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने रमज़ान मुबारक के लिए औकातकार जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट स्कूल का आगाज़ सुबह 8:30 बजे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट स्कूल में आगाज़ सुबह 8:30 बजे और छुट्टी 12:30 बजे होगी। दूसरी शिफ्ट का आगाज़ दोपहर 1:30 बजे और छुट्टी 4:30 बजे होगी। जुमा को स्कूल का आगाज़ 8:30 और छुट्टी 12:30 बजे होगी। इत्तेहादी हुकूमत की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, 34 साल हुसैन, अमीन मुकाम शामिल। सियासी और अस्करी क्यादत की तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत। हल्फ उठाने वालों में साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी भी शामिल। काबीना में 18 वफाकी वजरा और 1 वजीर मुमलिकत ने हल्फ उठाया। सियासत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। सियासी इंतकाम नहीं, अब अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बन पड़ेगा। अगर अवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। कीमतें कंट्रोल करने का कोई निज़ाम नहीं। महंगाई काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। वफद में मियां आमिर महमूद, शकील मसूद, सुल्तान अली लखानी और नाज़फ़रीन सैकल शामिल। मुलाकात में हुकूमत पंजाब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवाबित पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के वफद ने वज़ीर आला को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। और कतार ना इंतज़ार, निगबान रमज़ान पैकेज की फरहमी। लगातार 10 लाख से ज़ायद घरानों को राशन की तस्रील की मुकम्मल। मजमू तौर पर पंजाब में रमज़ान निगबान पैकेज के लिए मुस्तहिक करार पाने वाले 47 लाख घरानों की एड्रेस की तस्दीक का अमल मुकम्मल।